गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज का जो अपना टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपना जो टॉपिक है वो है नर्व सप्लाई, यानी कि जो अपनी एलिमेंट्री ट्रैक है उसको नर्व सप्लाई कैसे होती है। तो अपन ने बात की थी कि जो एलिमेंट्री ट्रैक है उसमें जो अपनी नर्व सप्लाई है वो किस तरह से होती है। दो टाइप से अपनी नर्व सप्लाई होती है, कौन सी है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक टाइप की जो नर्व सप्लाई है उसको अपन कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो सबसे पहले अपन क्या है बात करते हैं पैरासिंपैथेटिक सप्लाई की। तो पैरासिंपैथेटिक सप्लाई में क्या है, दिस सप्लाई टू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक इज प्रोवाइड बाई वन पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व द वेगस नर्व। यानी कि जो अपनी अधिकांश जो एलिमेंट्री ट्रैक है उसके अंदर ये जो नर्व सप्लाई है वो कौन करता है, वन पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व और जिसको अपन क्या बोलते हैं वेगस नर्व। स्टिमुलेशन कोज स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। स्टिमुलेशन है वो क्या करता है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है जिससे क्या है, और सिक्रेशन होता है किसका, डाइजेस्टिव जूस का क्या है, सिक्रेशन होता है। द मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्रैक इज सप्लाई बाय द सेक्ट्रल नर्व। सेक्ट्रल नर्व के द्वारा क्या है, जो आपकी मोस्ट जो पार्ट है उनके उनके अंदर क्या है, सप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई में क्या होता है, दिस इज प्रोवाइड बाय ए न्यूमेरियस नर्व विच इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड इन द थोरेसिक एंड लंबर रीजन। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, दिस इज प्रोवाइड बाई न्यूमेरियस नर्व विच इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन द थोरेसिक एंड लंबर रीजन। इसका मीन्स क्या है, कई नर्व हैं जो मिलके क्या करती हैं, अपनी जो पैरासिंपैथेटिक है वो क्या है, नर्व सप्लाई करती है। और वो जाके कहाँ पे जुड़ती है, विच इमर्ज कहाँ पे जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड एंड थोरेसिक एंड लंबर रीजन, या जो इनकी जो अपना स्पाइनल कॉर्ड का जो थोरेसिक एंड लंबर रीजन है वहाँ पे जाके क्या है, वो इमर्ज हो जाती है। फ्रॉम दीज फ्रॉम प्लेक्सिस इन द थोरेक्स एब्डोमेन एंड पेल्विस फ्रॉम विच नर्व पास टू द ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक। और क्या होता है, वो जो अपनी सारी नर्व है वो कहाँ पे जाती है, जो अपना थोरेसिक है, एब्डोमेन है, पेल्विस है, इनका जो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर सारी की सारी जाके क्या है, मिक्स हो जाती है। ये क्या है, अपनी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर क्या है, जो पैरासिंपैथेटिक टाइप की जो है वो क्या है, जो ब्लू रीजन है वो क्या है अपना पैरासिंपैथेटिक टाइप का है, और जो रेड जो है ये जो है ये क्या है, सिंपैथेटिक टाइप की नर्व सप्लाई होती है अपनी। यानी कि इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है, सॉरी, जो अपनी एलिमेंट्री ट्रैक है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो आपकी ब्लड सप्लाई हो रही है, सॉरी, नर्व सप्लाई जो हो रही है वो कौन से टाइप से हो रही है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के थ्रू हो रही है। ऑटोनॉमिक किन किन चीजों से मिलकर बना है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक से मिलकर बना हुआ है। तो जो आपका पैरासिंपैथेटिक है वो इस डायग्राम में कैसा दिखाया गया है, जो ब्लू लाइनिंग जो शो हो रही है वो क्या है, आपकी पैरासिंपैथेटिक है, और जो आपकी रेड लाइन जो शो हो रही है वो क्या है, सिंपैथेटिक टाइप की है।
देन आफ्टर अपना जो है वो क्या है, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के अंदर क्या होता है, एक आर्टरियल ब्लड सप्लाई होती है और एक क्या होती है अपनी वीनस ड्रेनेज होता है। आर्टरियल सप्लाई के अंदर क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ठीक है, वो जो आपका थोरेक्स पार्ट है, थोरेक्स के अंदर कौन जाता है, इसोफेगस इज सप्लाई बाय द पेड इसोफेजियल आर्टरी ब्रांचेस फ्रॉम द थोरेसिक आयोटा। थोरेसिक आयोटा की जो इसोफेजियल आर्टरी है वो क्या करती है, आपके जो थोरेक्स रीजन है उसको क्या है, ब्लड सप्लाई करती है। यानी कि द इसोफेगस इज सप्लाई बाय पेड इसोफेजियल आर्टरी। इसोफेजियल आर्टरी की जो ग्रुप के अंदर जो आपकी इसोफेजियल आर्टरी होती है वो क्या करती है, आपको इस रीजन को ब्लड सप्लाई करती है ठीक है। जो किसकी ब्रांच है, ब्रांच फ्रॉम द थोरेसिक आयोटा ठीक है, जो किसकी ब्रांच है, थोरेसिक आयोटा की क्या है, ब्रांच है। इन द अबडोमिनल एंड पेल्विस, जो आपका अबडोमन एंड पेल्विस पार्ट जो उसके अंदर कौन ब्लड सप्लाई करता है, द एलिमेंट्री ट्रैक पैनक्रियाज लीवर एंड बाइली ट्रैक आर सप्लाइड बाय द अनपेयर्ड ब्रांचेस फ्रॉम द आयोटा ठीक है। जो आपका आयोटा है उसकी जो अनपेयर्ड ब्रांचेज है कौन सी, द सीलिक आर्टरी एंड द सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। जो आपकी सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो क्या करती है, आपके अब्डोमन एंड पेल्विस रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। तो अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई के अंदर क्या है, जो आपकी आर्टरियल ब्लड सप्लाई है ठीक है, वो आपके थोरेक्स रीजन को कौन करता है, एसोफेजियल आर्टरी जो है वो क्या करती है, आपके थोरेक्स रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। जो किसकी ब्रांच है, ब्रांच फ्रॉम ऑफ द थोरेसिक आयोटा, जो आपके थोरेसिक आयोटा की क्या है, ब्रांच है। अब्डोमन एंड पेल्विस को ब्लड सप्लाई कौन करता है, अनपेड ब्रांचेज हैं किसकी, आयोटा की, कौन सी, सीलिक आर्टरी एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो क्या करती है, अपने अब्डोमन एंड पेल्विस रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ब्लड सप्लाई के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई के अंदर क्या होगा, जो अपने मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के दौरान ठीक है, जो अपना फूड जो है डाइजेस्ट हुआ था, वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ था, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मिक्स हुआ था। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मिक्स होने का मतलब क्या है, कि वो सर्कुलेशन के थ्रू क्या है, अपनी बॉडी के अंदर क्या है, सर्कुलेट होगा और उसके अंदर क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे ठीक है, जो क्या करेंगे अपनी बॉडी के लिए क्या है, एसेंशियल है यानी कि जरूरतमंद है। तो जो अपने जो थोरेक्स रीजन है उसके अंदर कौन लेके जाएगा, जो अपनी इसोफेजियल आर्टरी है वो क्या करेगी, अपने जो थोरेक्स रीजन है उसके अंदर वो सप्लाई कर देगी। देन आफ्टर अपना जो अब्डोमन एंड पेल्विस रीजन है उसके अंदर कौन करेगा, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो क्या करेंगे, जो अपना अब्डोमन एंड पेल्विस रीजन है वहां पे वो सप्लाई कर देंगे। जो अपनी सीलिएक आर्टरी है वो कितने भागों में डिवाइड हो रखी है, तीन भागों में डिवाइड हो रखी है। द सीलिएक आर्टरी डिवाइडेड इनटू द थ्री ब्रांचेज, यानी कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों के अंदर क्या है, इसको डिवाइड किया गया है। विच सप्लाई द स्टमक, ड्यूडिनम, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। जो क्या करती है, कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है, अपने स्टमक, ड्यूडिनम, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट, इन सब में क्या है, सप्लाई करता है ठीक है। सीलिएक आर्टरी को कौन से तीन भाग हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी। यानी कि जो अपनी सीलिएक आर्टरी है उसके कितने रीजन है, तीन भागों में उसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहला कौन सा है, आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। देन आफ्टर कौन सा है, आपका स्प्लेनिक आर्टरी। देन आफ्टर क्या है, आपकी हेपेटिक आर्टरी ठीक है। और ये सारे के सारे मिलकर किसको ब्लड सप्लाई करती है, आपके पैनक्रियाज को, स्टमक को, ड्यूडिनम को, स्प्लीन को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को एंड बाइल डक्ट को। ये सभी की सभी क्या है, इनको ब्लड सप्लाई करते हैं। देन आफ्टर क्या था, अपनी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। जो अपनी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है, होल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को, असेंडिंग कोलन को एंड ट्रांसवर्स कोलन जो है उनको कौन ब्लड सप्लाई करता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो क्या करेगी, अपनी
ब्लड सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे जो अपना अब्डोमिन एंड पेल्विस था, अब्डोमिन एंड पेल्विस के अंदर अपने पढ़ा था कि दो आर्टरी होती है आपकी, एक सीलिएक आर्टरी है और एक सुपीरियर इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, वो क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है किसको, अब्डोमिन एंड पेल्विस रीजन को। तो नेक्स्ट में क्या हुआ, सीलिएक आर्टरी कितने भागों में डिवाइड होगी, तीन भागों में डिवाइड होगी, कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी। ये किस किस को ब्लड सप्लाई करती है, स्टमक को, ड्यूडिनम को, पैनक्रियाज को, स्प्लीन को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को और बाइल डक्ट को, इनको क्या है ये ब्लड सप्लाई करती है। देन आफ्टर अपना क्या आता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या करती है, सप्लाई द होल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो अपनी कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है, असेंडिंग कोलन एंड मोस्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, और आपका जो असेंडिंग कोलन है उनको और मोस्ट जो आपके ट्रांसवर्स कोलन है उनको क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है। देन आपकी आती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या करती है, सप्लाई स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। इन्फीरियर जो मेजेंट्रिक आर्टरी वो क्या करती है, स्मॉल पार्ट किसका, ट्रांसवर्स कोलन का जो स्मॉल पार्ट है उसको क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है। एंड डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन को ब्लड सप्लाई करती है। सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन को ब्लड सप्लाई करती है। एंड मोस्ट ऑफ द रेक्टम, और आपका जो रेक्टम है उसको क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है, यानी कि जो आपकी इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो क्या करती है स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, यानी कि ट्रांसवर्स कोलन के जो स्मॉल पार्ट हैं उनको क्या करती है, कुछ पार्ट्स को कौन करता है इन्फीरियर करता है, कुछ को सुपीरियर कर देता है, ठीक है। देन आफ्टर डिसेंडिंग कोलन को करता है, ठीक है। सिग्मोइड कोलन को आपकी इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और जो आपके रेक्टम जो है उसको क्या है ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट में है द डिस्टल पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड द एनस आर सप्लाई बाई द मिडिल एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्ट्री, यानी कि जो आपके डिस्टल पार्ट हैं किसके, रेक्टम के और एनस के, ठीक है, उनको ब्लड सप्लाई कौन करता है, सप्लाई बाई द मिडिल एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्ट्री। जो आपकी इन्फीरियर रेक्टल आर्ट्री है वो क्या करती है, आपकी जो रेक्टम और एनस है उसको ब्लड सप्लाई करती है, यानी कि रेक्टम और जो आपका जो एनस है उसके डिस्टल पार्ट को सप्लाई कौन करता है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी करती है, जो किसकी ब्रांचेज है, इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है ब्रांच है। दूसरे व्यूज में देखें तो क्या है, इंटरनल इलियक आर्टरी की जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है वो क्या करती है, आपके रेक्टम और एनस को ब्लड सप्लाई करती है। द आर्टरी सप्लाई द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन पास बिटवीन द लेयर ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल टू द ऑर्गन। ये कहाँ से पास होते हैं, बिटवीन द लेयर ऑफ पेरिटोनियम, लेयर जो अपनी है वहां से क्या है ये पास होके जाती है। तो अपन ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो आपका जो आर्टरियल ब्लड सप्लाई है जो आपके थोरेक्स रीजन है, थोरेक्स रीजन के अंदर क्या है ईसोफेजियल आर्टरी क्या करती है आपकी ब्लड सप्लाई करती है। जो ईसोफेजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, आपके जो थोरेसिक आर्टरी है उसकी क्या है ब्रांच होती है। नेक्स्ट क्या है आपका अब्डोमन एंड पेल्विस। अब्डोमन एंड पेल्विस में ब्लड सप्लाई कौन करता है, एलिमेंट्री ट्रैक, पैनक्रियाज, लीवर एंड बाइलेट्री ट्रैक आर सप्लाई बाय द अनपेड ब्रांच फ्रॉम द आयोटा। आयोटा की क्या है अनपेड ब्रांच जो है वो क्या करती है यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। तो हम बात करते हैं आयोटा की अनपेड ब्रांचेज हैं कौन सी, तो इसकी क्या है तीन ब्रांच है, सीलिएक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये क्या है इसकी ब्रांचेज हैं। सबसे पहले क्या है सीलिएक आर्टरी। सीलिएक आर्टरी जो है उसको अपन ने कितने, सीलिएक आर्टरी कितने भागों में डिवाइडेड है, सीलिएक आर्टरी तीन भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, देन आफ्टर स्प्लेनिक आर्टरी और आपकी हेपेटिक आर्टरी। ये क्या है आपकी सीलिएक आर्टरी तीन भागों में डिवाइडेड है, जो किसको ब्लड सप्लाई करती है, स्टमक को, ड्यूडिनम को, पैनक्रियाज को, स्प्लीन को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को एंड बाइल डक्ट को, इनको क्या है ये ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या करती है,
आपकी होल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को करती है, असेंडिंग कॉलन को करती है, और जो आपके ट्रांसवर्स कॉलन है उसको क्या है, ब्लड सप्लाई करती है। देन आफ्टर अपनी आती है नेक्स्ट थर्ड, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है, स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन, यानी कि जो आपके ट्रांसवर्स कॉलन है उसके स्मॉल पार्ट जो हैं, कुछ हिस्से जो हैं उनको क्या है वो ब्लड सप्लाई करती है। और डिसेंडिंग कॉलन को, सिग्मॉइड कॉलन को, और जो आपका रेक्टम है उसको, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपकी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई कर देती है। नेक्स्ट लाइन में है, द डिस्टल पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड एनस आर सप्लाई बाय द मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। जो आपका रेक्टम और एनस जो है उसके डिस्टल पार्ट को सप्लाई कौन करता है, मिडिल और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो क्या करती है, आपके रेक्टम और एनस को ब्लड सप्लाई करती है। और ये जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है, आपके इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है, ब्रांच होती है। नेक्स्ट, आपकी जो आर्टरीज हैं ये ऑर्गन के पास कैसे जाती हैं, तो ये जो पेरिटोनियम की जो लेयर होती है उसके मध्य से क्या है, ये गुजर के जाती हैं। देन आफ्टर क्या है, वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई के अंदर तो क्या है, ऑक्सीजन और आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो जाते हैं, बट जब भी ब्लड सप्लाई होती है देन आफ्टर क्या है, रिवर्स में वहां से हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, अदर गैसेज हैं वो क्या है, रिवर्स में आती हैं। तो वीनस ड्रेनेज के अंदर क्या है, जो ईसोफेगस जो था, ठीक है, जो थोरेक्स रीजन के अंदर जो आपका ईसोफेगस था वो वहां से कौन लेके आएगा, वहां पे ईसोफेजियल आर्टरी जो थी वो क्या कर रही थी, ब्लड सप्लाई कर रही थी। और यहाँ पे क्या है, जो आपकी ईसोफेजियल वेन जो है वो क्या करेगी, वीनस ड्रेनेज करेगी, ठीक है। जायगोस और हेमिजायगोस वेन के थ्रू क्या है, यहाँ पे वीनस ड्रेनेज होगा। द जायगोस वेन जॉइंट टू द सुपीरियर वेना केवा नियर द हार्ट एंड हेमोजाइगस जॉइंट टू द लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। तो यानी कि जो आपका जायगोस और दो गई है, ठीक है, जायगोस किससे कनेक्ट रहता है, सुपीरियर वेना केवा से, ठीक है, और जो कहाँ पे रहता है आपका, जो नियर द हार्ट, यानी कि आपके हार्ट के पास जो सुपीरियर वेना केवा है उसमें जो आपकी जायगस वेन है वो क्या करती है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो आपकी हेमोजाइगस वेन जो है ये कहाँ पे जॉइंट होती है, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन पे जाके क्या है, जॉइंट होती है। सम ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस ड्रेन इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। कुछ ब्लड जो आपका लोअर पार्ट है किसका, ईसोफेगस का, वो कहाँ पे ड्रेन करता है, आपका जो आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है वहां पे क्या है, वो ड्रेन करता है। तो वीनस ड्रेनेज में क्या होता है, वीनस ड्रेनेज के अंदर क्या होगा, जो आपका थोरेक्स रीजन है, थोरेक्स रीजन के अंदर क्या होगा, पहले आपने क्या किया था, ब्लड सप्लाई की थी, अब क्या है, वहां से ब्लड देने के बाद जो रिवर्स में जो लेके आ रही है वो क्या होगा, आपका वीनस ड्रेनेज होगा। तो वहां पे क्या हुआ था, ईसोफेजियल आर्टरी ने क्या किया था, ब्लड सप्लाई की थी, और यहाँ पे क्या है, जो आपकी ईसोफेजियल वेन है वो क्या करेगी, वीनस ड्रेनेज करेगी। तो ईसोफेजियल वेन जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गई, जायगस हो गई और एक हेमिजायगस वेन होगी। जायगस वेन जो है वो कहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट रहती है, आपके जो सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, वहां पे कौन कनेक्ट रहता है, जायगस वेन रहती है। और हेमिजायगस कहाँ पे जॉइंट रहती है, जो आपके लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वहां पे क्या है, वो कनेक्ट रहती है। सम ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेजियल ड्रेन, इसका मतलब क्या है, कुछ ब्लड, ठीक है, जो क्या है आपका जो लोअर पार्ट है ईसोफेगस का, वहां से किस में ड्रेनेज होता है, आपके लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के अंदर क्या है, ड्रेनेज होता है।
देर आर एनास्मोटिक वेसल्स बिटवीन द जायगोस हेमिजायगस एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। यहाँ पे क्या है, इन तीनों जो आपकी वेन्स हैं इनका क्या है, कनेक्शन होता है, यानी कि तीनों के तीनों क्या है, आपस के अंदर कनेक्टेड होती है, कनेक्शन इनका आपस में होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, अब्डोमन एंड पेल्विस, द वेन दैट ड्रेन ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, द स्टोमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द रेक्टम जॉइंट टू द फ्रॉम द पोर्टल वेन। यानी कि जो आपका लोअर पार्ट है, ठीक है, किसका, इसोफेगस का, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, और मोस्ट जो आपके रेक्टम का पार्ट है वो कहाँ पे, उनसे वीनस ड्रेनेज कौन लेता है, जो आपकी पोर्टल वेन जो है वो क्या करती है, वीनस ड्रेनेज उसके अंदर होता है। द ब्लड कनेक्टिंग ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन मटेरियल, यानी कि ये जो ब्लड होता है ये क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन जो थे वो क्या है, सारे के सारे अब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। देन आफ्टर क्या है, लीवर के पास जाएंगे, और लीवर से क्या है, ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर आपके चले जाएंगे, जो कहाँ पे रहता है, आपके हार्ट के पास में रहता है। अब्डोमन एंड पेल्विस की अगर अपन बात करें तो अब्डोमन और पेल्विस से ब्लड सप्लाई जो वीनस रिटर्न जो है वो कैसे होता है, जो आपका लोअर पार्ट है किसका, इसोफेगस का, वहां से लेके स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और मोस्ट ऑफ द रेक्टम जो है वो कहाँ, कौन करता है, वहां से वीनस ड्रेनेज, जो आपकी पोर्टल वेन है वो क्या करती है, वीनस ड्रेनेज करती है, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है, जो ये ब्लड था पोर्टल वेन के पास जो ब्लड आया उसमें क्या थे, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या थे, हाईली अब्जॉर्ब, यानी कि वहां से क्या है, अब्जॉर्ब हो चुके थे, ठीक है। और वो क्या करेंगे, लीवर के पास जाएंगे, लीवर से क्या है, वो आपके जो इंफीरियर वेना केवा है वहां पे चले जाएंगे। इंफीरियर वेना केवा कहाँ पे होता है, आपका जो हार्ट के नियर के अंदर क्या है, आपका इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट होता है। ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड द एनल कैनाल ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक वेन, यानी कि जो ब्लड है आपका, ठीक है, यहां से क्या है, रेक्टम और एनल कैनाल से कौन ब्लड रिसीव करेगा, जो आपकी इंटरनल इलियक वेन जो है वो क्या करेगी, आपकी जो है वो रिसीव करेगी। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन लिवर लेवल्स इज डिस्क्राइब्ड लेटर, इसका मीन्स क्या है, यानी कि जो अपन नेक्स्ट टॉपिक जो अपना लीवर आएगा उसके अंदर क्या है, जो सर्कुलेशन है वो सारा का सारा अपन लीवर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। दिस ब्लड इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना केवा हैंस बाईपासिंग द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, यानी कि जो सारा का सारा जो ब्लड है वो कहाँ पे डिलीवर्ड हो जाता है, आपका इंफीरियर वेना केवा के अंदर क्या है वो चला जाता है। तो अपन बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की। वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या है, जो भी अपना न्यूट्रिएंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स को अपन, न्यूट्रिएंट्स पहुंचने के बाद जो अपना रिमेनिंग जो ब्लड बचा उसको अपने को क्या करना है, वापस रिसीव करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वापस रिसीव करेंगे तो अपने पास क्या है, दो रीजन बनाए थे अपन ने, एक थोरेक्स था एक अब्डोमन था। तो थोरेक्स में क्या था, इसोफेजियल आर्टरी थी, और यहाँ पे क्या है, वो इसोफेजियल वेन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसोफेजियल वेन क्या करेगी, ब्लड सप्लाई, ब्लड को रिसीव करके लेके आएगी। इसोफेजियल दो भागों में डिवाइड होगी, जायगस और हेमिजायगस में। जायगस वेन कहाँ, किससे कनेक्ट रहती है, आपके सुपीरियर वेना केवा से क्या है, कनेक्ट रहती है। और हेमिजायगस किससे कनेक्ट रहती है, ब्रेकिसिफेलिक वेन से कनेक्ट रहती है, ठीक है। जो आपका इसोफेगस था उसके लोअर पार्ट से जो है उससे ड्रेन कौन करता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो वेन क्या है, ड्रेनेज करेगी। जायगोस, हेमिजायगस और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, इन तीनों के बीच में क्या है, संधि होती है, यानी कि आपस में तीनों की कनेक्शन होते हैं। देन आफ्टर अपना आता है अब्डोमन एंड पेल्विस। अब्डोमन एंड पेल्विस की बात करें तो अपनी जो पोर्टल वेन है वो क्या करेगी, जो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस है वहां से लेके
स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और मोस्ट पार्ट जो आपके रेक्टम है उससे क्या है ब्लड रिसीव करेगी। ब्लड रिसीव करने के बाद क्या होगा, उस ब्लड के अंदर क्या है अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट कम रहते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर अब्जॉर्ब होने के बाद जो है जो न्यूट्रिशन बचे वो उसके अंदर क्या है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कहाँ पे जाएंगे लीवर के पास जाएंगे, और लीवर से के पास किसके पास जाएंगे, अपना जो इंफीरियर वेना केवा है उसके पास चले जाएंगे। देन आफ्टर क्या होगा, जो आपका रेक्टम और एनल कैनाल है उससे ब्लड रिसीव कौन करता है, आपकी जो इंटरनल इलियक आर्टरी है वो रिसीव करती है, ठीक है, और ये जो सारा का सारा जो ब्लड है ये किसके पास जाएगा, आपका जो इंफीरियर वेना केवा है उसके पास चला जाएगा। देन आफ्टर अपना नेक्स्ट टॉपिक है माउथ। ये क्या है, माउथ की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, टीथ दिखाया गया है, जो सॉफ्ट पैलेट दिखाया गया है, ठीक है, टंग दिखाई गई है, लोअर लिप दिखाई गई है, टॉन्सिलाइटिस दिखाए गए हैं, आर्चेस दिखाए गए हैं, ठीक है, फेरिंग्स है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि जो फेरिंग्स का जो पोस्टीरियर वॉल है वो क्या है दिखाया गया है। जो माउथ है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं। जो माउथ है अपना, माउथ को अपन क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय ए मसल्स एंड बोन, ये किससे बना रहता है, मसल्स और बोन से मिलके क्या है बाउंडेड रहता है, ठीक है। तो एंटीरियरली की बात करें अपन माउथ के, तो एंटीरियरली में क्या रहेगा, अपने जो लिप्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। पोस्टीरियरली की अगर अपन बात करें तो पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट रहता है, कंटिन्यूस विद द ओरोफेरिंग्स, यानी कि जो अपना ओरोफेरिंग्स है वो क्या है प्रेजेंट रहता है। लेटरली की अगर अपन बात करें तो लेटरली में क्या प्रेजेंट है, मसल्स ऑफ द चिक, यानी कि जो अपना चिक है उसकी क्या है मसल्स है प्रेजेंट रहती हैं। सुपीरियरली की अगर अपन बात करें तो क्या प्रेजेंट है, बोनी हार्ड पैलेट एंड मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट, यानी कि जो अपना हार्ड पैलेट है और जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या है प्रेजेंट रहते हैं। इंपीरियरली में क्या प्रेजेंट है, टंग, सॉफ्ट टिश्यू एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, ये क्या है अपने माउथ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर अपन इस डायग्राम में एंटीरियरली की बात करें तो एंटीरियरली में क्या है, जो अपने लिप्स हैं वो क्या है प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली की बात करें तो पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट है, अपने जो ओरोफेरिंग्स है, फेरिंग्स को जो ओरोफेरिंग्स जो पार्ट है फेरिंग्स का वो क्या है, फेरिंग्स को अपन ने तीन भागों में डिवाइड कर रखा है और उसका जो ओरोफेरिंग्स पार्ट है वो क्या है प्रेजेंट होता है। लेटरली की बात करें तो लेटरली में क्या है, मसल्स ऑफ द चिक, यानी कि जो अपना चिक है उसकी क्या है मसल्स वो प्रेजेंट होती हैं। सुपीरियरली की बात करें तो सुपीरियरली के अंदर क्या है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, जो अपना हार्ड पैलेट है और सॉफ्ट पैलेट है वो क्या है प्रेजेंट रहता है। इंफीरियरली की अगर अपन बात करें तो इंफीरियरली में क्या प्रेजेंट रहेगा, मस्कुलर टंग एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये अपने क्या है इंफीरियरली में प्रेजेंट रहते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे माउथ, माउथ क्या है। थैंक्स टू ऑल।